नमस्कार, रुक करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की ओर। बीएसपी अध्यक्ष मायावती के द्वारा दिए गए एक बड़े बयान से जुड़ी हुई है इस वक्त की बड़ी खबर। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आजम खान को लेकर काफ़ी ज़्यादा बड़ा बयान दिया है। जैसा कि आप सभी को पता ही है, 2 साल से जेल में बंद हैं आजम खान। साथ ही समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और समाजवादी पार्टी को जड़ से मजबूत करने वाले नेता थे आजम खान। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने जैसा 2 साल से आजम खान जेल में बंद है उस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय बन बताया और मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा है, अपने विरोधियों पर लगातार देशद्रोह व आतंकी कार्रवाई तथा वरिष्ठ विधायक मोहम्मद आजम खान को करीब 2.25 साल से जेल में बंद रखने का मामला काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है, जो लोगों की नज़र में न्याय का गला घोटना नहीं तो और क्या है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर यह आरोप लगाया कि विपक्ष अपने विरोधियों पर अत्याचार व उत्पीड़न कर रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार। तो साथियों, बीजेपी सरकार पर मायावती का अब तक का सबसे बड़ा हमला है और आजम खान को लेकर काफ़ी ज़्यादा बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है, 2 साल से जो आजम खान जेल में बंद है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का विषय है, जो लोगों की नज़र में न्याय का गला घोटना है। यानी कि जो जेल में बंद है आजम खान, उनका कहना है मायावती का कि न्याय घोटना है, लोगों के न्याय का न्याय घोटना है, गला घोटना है। साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मायावती के द्वारा दिए गए इस बड़े बयान की तरफ से। मायावती के द्वारा दिए गए इस बड़े बयान पर आप क्या सोचते हो, आप अपनी कमेंट बना दें। फिलहाल आप देख रहे थे बीम सेल टीवी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। जय भी